हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास टेंथ हिंदी के ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जितने प्रश्न मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा वो 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में कम से कम आप लोगों का 20 या 25 नंबर आप लोगों को एकदम फिक्स कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, 100% दावा है मेरा कि यहां से आप लोगों का 20 नंबर गेन करके ही आप जाओगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट आप लोग यहां पर नोट करके जाइएगा, क्योंकि यहां से 20 नंबर आप लोगों का पक्का होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। देखिए, जो उपसर्ग में बता दूंगा उससे बार अगर उपसर्ग आ गया तो फिर कमेंट में जो भी करना होगा, जो भी कहना होगा आप कह सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में। तो चलिए, सबसे पहले हम ज्यादा उपसर्ग देखेंगे और उपसर्ग को अच्छे तरीके से पहले आप नोट कीजिए। उपसर्ग 3 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उपसर्ग कौन कौन सा उपसर्ग इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा, देखिए यहां पे हमने मात्र 7 उपसर्ग लिखा है। अनु, अन, अभी, परि, आप, सु, अधि, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, अन, अन का उपसर्ग क्या था? अनजान, अनमोल, अकाल। अब यहां पे आप कहेंगे कि सर यहां पे 3 लिखवाए हैं, तो 3 लिखवाए हो, लेकिन एग्जाम में एक ही लिखना होता है। इन तीनों में से कोई एक याद कर लीजिए, एक ही लिखना होता है। ठीक है, अन का अनजान लिखिए, चाहे अनमोल लिखिए, चाहे अकाल, एक ही लिखना होता है। ठीक है, एक का एक लिखना होता है। 3 नंबर मिलता है क्योंकि 3 लिखना होता है, 3 गो का आंसर आप दे देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा आपका। तो अन का अनजान, अनमोल, अकाल। अनु का क्या होता है? अनु का अनुभाव, अनुशासन और अनुभव होता है। इसी तरह अभी का हम बात करें तो अभी का अभिप्राय, अभिमान, अभिशाप होता है। परि का क्या होता है? परिग्रह, परिवार होता है, परिजन होता है। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? आराम से नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करें आगे तो आप का अपहरण, अपराध, अपकार। ठीक है, इसके बाद सु का बात हम करें तो सुजान, सुहाग और क्या होता है? सुकन्या। तो 3 दिया हूं, 3 में से कोई एक ही याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा आप लोगों का। इसके बाद अधि, अधि का अधिराज, अधिनायक और अधिकार। यहां पे हमने 7 बताया है, इससे बाहर आपका उपसर्ग कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपको तैयार है मात्र 7, तो 3 नंबर यहां से आप लोगों का 100% पक्का है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, उसको आराम से आप लोग अच्छे तरीके से नोट करके, एक नोट का भी बना लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए आप हम पे, और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। तो उपसर्ग यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यय को लेकर। प्रत्यय कितने नंबर के लिए आता है? 2 नंबर के लिए प्रत्यय पूछा जाता है। चलिए, प्रत्यय भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिये, प्रत्यय में क्या है? तो प्रत्यय भी मैं यहाँ पे लिया हूं 7, मात्र 7 प्रत्यय 2 नंबर के लिए हैं। ठीक है, यहां पे पहला है त्व, त्व का महत्व लघु त्व, इसका भी एक ही लिखना होता है, लेकिन 2 लिखना होता है, 2 नंबर मिल जाएगा। त्व का होता है महत्व लघु त्व, वा का होता है दिखावा चढ़ावा, वट का होता है गिरावट लिखावट, आई का होता है हसाई चौड़ाई। इसके बाद होता है पन का बचपन पागलपन, ता का सुंदरता महानता, हट का चिल्लाहट सरसराहट गड़गड़ाहट होता है ना। तो देखिए, यहां पे प्रत्यय हमने 7 बता दिया है और 2 नंबर यहां से आपका फिक्स करा दिया, इससे बाहर नहीं आ सकता है प्रत्यय। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया यहां तक। तो 3, 2, 5 नंबर तो ऐसे ही आप लोगों का तैयार हो गया। ठीक है, 3 नंबर उपसर्ग से, 2 नंबर प्रत्यय से, 5 नंबर और अच्छे तरीके से तैयार हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे यहां पे अब देखेंगे हम लोग, अब देखिए आगे आगे आप लोगों का समास। अब समास आता है 2 नंबर के लिए और 2023 बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास आपको पढ़ना है, एक द्वंद समास, एक द्विगु समास, एक द्वंद समास, एक द्विगु समास पढ़ना है, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन इंपोर्टेंट है, कौन पूछा जाएगा इस बार, आराम से नोट कीजिए। पहला है पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा पाप और पुण्य। और कौन सा समास है? द्वंद समास। जहां पे और लिखा होगा पाप और पुण्य, तो और से जुड़ा शब्द हमेशा द्वंद समास होता है, इस बात को याद रखिएगा।
तब पाप पुण्य का पाप और पुण्य द्वंद समास। इसके बाद नवरत्न, नवरत्न को हो जाएगा नौ रत्नों का समूह, यह आपका द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। इसके बाद तिरंगा, तिरंगा का मतलब कि तीन रंगों का समाहार, ये भी क्या है आपका द्विगु समास है। जलवायु, जल और वायु क्या हो गया द्वंद समास क्योंकि और से जुड़ा है। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास है आप लोगों का। इसके बाद देश विदेश, तो हो जाएगा देश और विदेश द्वंद समास। खरा खोटा, खरा और खोटा कौन सा द्वंद समास। इसके बाद माता पिता, माता पिता को हो जाएगा माता और पिता, ये भी आपका द्वंद ही समास है। इसके बाद त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण का होगा तीन कोणों का समाहार जो कि द्विगु समास है। राजा रानी, राजा और रानी हो जाएगा द्वंद समास। तो देखिए समास हमने आप लोगों को यहाँ पे 10 बताया, अगर ये 10 समास आप अच्छे तरीके से याद है आप लोगों का तो 2 नंबर यहां से क्लियर है, कोई आपको रोक नहीं सकता है इससे। ठीक है, समास यहां तक बस आप लोग अच्छे तरीके से लिख कर और याद कर लो, इससे बाहर समास आप लोगों को पूछेगा नहीं। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया समास भी अच्छे तरीके से। अगर समास के बाद हम आगे बात करें तो वो आता है तत्सम तद्भव, तद्भव दिया रहता है तत्सम रूप में लिखना होता है, और ये भी कितने नंबर के लिए पूछा जाता है 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, 2 नंबर तैयार कर लेते हैं। देखिए तो ये आपका है जैसे कुआं, कुआं ऐसे लिखा होता है, ये होता है तद्भव, और तद्भव को तत्सम रूप में लिखते हैं तो कुआं को हम कूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कुआं को कूप। तो ये तद्भव है और ये आपका तत्सम है। ठीक है, छाया ये आपको दिया रहेगा, इस तरह लिखना होगा, छाया का होता है छाह, छाया का तत्सम जो होता है छाय होता है, और पाहन, पाहन का तत्सम पाषाण होता है। देखिए सिंगार, सिंगार का जो तत्सम होता है श्रृंगार होता है। लौंग, लौंग है, लौंग का तत्सम लवंग होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कीजिए। कपूत, कपूत का होता है कुपुत्र, कपूत का क्या होता है कुपुत्र होता है। इसी तरह दूध, दूध का क्या होता है तो दूध का दुग्ध होता है, दूध का दुग्ध होता है। गांव, गांव है, गांव का तत्सम क्या होता है ग्राम, गांव का तत्सम ग्राम होता है। पानी, पानी का क्या होता है तत्सम पानीय होता है। कान का तत्सम कर्ण होता है। इसी तरह हाथ का हस्त होता है, हाथ का तत्सम हस्त। लास्ट है बानर, यहाँ वानर होता है ना, वानर को हम वंदर कहते हैं, वानर का तत्सम वंदर होता है। तो यहाँ पे हमने 12 आप लोगों को तत्सम रूप बताया है, अगर ये 12 क्लियर हो जाता है आप लोगों को अच्छे तरीके से तो 2 नंबर यहाँ से फिक्स है, इससे बाहर तत्सम आप लोगों को 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे उछेगा नहीं। ठीक है, अगर इतना तैयार है तो सारे चीजें क्लियर है आपकी। चलिए यहां तक सभी क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं क्या, तो अगला टॉपिक आएगा आपका पर्यायवाची शब्द, अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, और ये पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये जो पर्यायवाची शब्द कितने नंबर के लिए पूछा जाता है 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको। तब पहला आपका है कमल, पहला क्या है कमल, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है सरोज और पंकज। देखिए पर्यायवाची शब्द 2 लिखना होता है, पर्यायवाची शब्द 2 लिखना होता है, जैसे कमल का है तो सरोज और पंकज लिखेंगे, उन सभी का एक एक लिखना होता है लेकिन पर्यायवाची शब्द 2 लिखना होता है। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज पंकज। दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस और पार भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता और तटनी। इसके बाद पक्षी की बात करें तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा खग और पतंग। अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होगा होगा आग और ज्वाला। इसके बाद आम का, आम का जो पर्यायवाची शब्द होगा होगा आम्र अमृत फल। इसके बाद किनारा, किनारा का अगर पर्यायवाची शब्द तो किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तीर और सीमा। गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी भागीरथी। इसके बाद इंद्र का पर्यायवाची शब्द तो देवराज होगा और सुरेश होगा। इसके बाद तालाब का तो सरोवर जलाशय। 10 हमने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताया, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये 10 अगर आपको याद है तो समझ लीजिए कि काम आप लोगों का बन गया 2023 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको पर्यायवाची शब्द क्लियर हो गया होगा। कितने नंबर के लिए आता है तो 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर इसको तुरंत क्लियर कर लीजिए आप लोग लिख के।
अगला बात करें तो अगला टॉपिक आता है संधि। देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम में मात्र एक ही संधि आपको पढ़ना है, वो है यड़ संधि। तो सिर्फ जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं हम लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब यड़ संधि का ही है, ठीक है। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक जगह क्या होगा, संधि विच्छेद लिखिए, तब प्रत्येक हो जाएगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। और कौन सा संधि है भाई, तो यड़ संधि है। अब सारे जितने भी रहेंगे सभी यड़ संधि के ही एग्जाम्पल है। इसके बाद पित्राज्ञ, तो पित्राज्ञ का होगा पित्र धन आज्ञा, ठीक है, यड़ संधि ही है। यद्यपि, यद्यपि क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, यह भी आपका यड़ संधि है। यह आपका प्रत्युत्तरम, तो प्रत्युत्तरम को हो जाएगा प्रतिधन उत्तरम, आपका यह भी यड़ संधि है। इत्यादि, इत्यादि को हो जाएगा इति धन आदि, इत्यादि का इति धन आदि हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है आपका स्वागतम, स्वागतम का क्या हो जाएगा, तो सुधन आगतम हो जाएगा, स्वागतम का सुधन आगतम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट तो मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का हो जाएगा मातृ धन आज्ञा, ये भी आपका यड़ संधि ही है, ठीक है। इसके बाद है आपका मनवंतर, तो मनवंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा मनुधन अंतर, मनुधन अंतर यड़ संधि। अत्याचार, अत्याचार का हो जाएगा अतिधन आचार, अत्याचार का अति धन आचार हो जाएगा, यड़ संधि है। इसके बाद लादेशक बात करें तो लादेशक हो जाएगा लि धन आदेश, ठीक है, ये भी आपका यड़ संधि है। टोटल हमने 10 आप लोगों को संधि बताया है, ठीक है। एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, अच्छी बात, तो आपको इस तरह दे देगा, कहेगा संधि विच्छेद कीजिए, कभी कभी आपको इस तरह दे देता है, इस तरह बनाना होता है, तो दोनों आपको याद करना पड़ेगा कि मातृ धन आज्ञा आ जाएगा तो इसका मतलब मात्र आज्ञा हो जाएगा, सुधन आगतम दे देगा तो इसका मतलब स्वागतम होगा, ठीक है। दोनों तरफ से पूछता है, ठीक है, तो दोनों तरफ से आप लोगों को याद करना है। 10 हमने बताया अपर्वाची शब्द, अगर 10 क्लियर पर्वाची शब्द है आपको, तो यहां से आप लोगों को 2 नंबर बिल्कुल क्या हो गया, फिक्स, कोई रोक नहीं सकता है 2 नंबर के लिए आप लोगों को। चलिए आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तब आप 2 नंबर के लिए क्या आता है, शब्द रूप आता है, क्या आता है, शब्द रूप। इसे एकदम याद कर लीजिएगा किसी की मत पे, शब्द रूप में क्या होता है, जैसे फल, फल का याद करना ही करना है आपको शब्द रूप, तो फल 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले विभक्ति होता है, एकवचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन, ठीक है। पहले विभक्ति, विभक्ति में आपके प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन होता है। और वचन की बात करें तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, ठीक है। तब प्रथमा की बात करें, विभक्ति में प्रथमा, तो प्रथमा में क्या होता है, एक वचन में फल का फलम, द्विवचन में फले और फलानी, ठीक है। प्रथमा में क्या होता है, फलम, फले, फलानी। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय क्या होता है, फलम, फले, फलानी। दो एक चीज इसमें अच्छी बात है कि प्रथमा और द्वितीय दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, अंतर नहीं होता है। तीसरा से चेंज होता है तृतीय से, तृतीय में हो जाएगा फलेन, फलाव्याम, फलेह, ठीक है। इसके बाद चतुर्थी, चतुर्थी में हो जाएगा फलाय, फलाव्याम, फलव्यय। पंचमी में हो जाएगा फलात, फलाव्याम, फलव्यय। इसके बाद षष्ठी में हो जाएगा फलस्य, फलयोह, फलानाम। इसके बाद सप्तमी में हो जाएगा, तो सप्तमी में देखिए फले, फलयो, फलेसु हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें संबोधन में, तो संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानी, ठीक है। तो ये आप लोगों का फल का शब्द रूप तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो 100% ये सारी चीजें पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसमें से आपको एक वचन, द्वितीय, बहुवचन, चतुर्थी का पूछ दे, चाहे पंचमी का पूछ दे, चाहे सप्तमी का पूछ दे, जो भी पूछ दे आप तीनों को लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फल। इसके बाद हम बात करें तो एक फल का याद करना है, एक नदी का याद करना है, तो नदी में भी विभक्ति में वही रहेगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और इधर आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, ठीक है। तो प्रथमा में नदी का क्या होता है, चलिए लिखिए, नदी का होता है नदी, नदो, नद। द्वितीय में हो जाएगा आपका नदीम, नदेव, नदीह। इसके बाद तृतीय में नदा, नदीभ्याम, नदीभिह। और चतुर्थी में हो जाएगा नदे, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी की बात करें तो पंचमी में क्या हो जाएगा, नदा, नदीभ्याम, नदीभ्य।
इसके बाद षष्ठी की बात करें तो षष्ठी में हो जाएगा आपका नधा, नधो, नधि नाम, ठीक है, ये आपका षष्ठी है। सप्तमी की बात करें तो सप्तमी में हो जाएगा नधाम, नधो, नधीसु। इसके बाद हम बात करें संबोधन में तो हे नदी, हे नदो, हे नदह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नदी का भी हमने आप लोगों को बता दिया शब्द रूप, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, नदी का हो गया। और इधर ऊपर हमने आप लोगों को बताया किसका, फल का, तो फल का नोट कीजिए शब्द रूप। और कितने नंबर के लिए आता है, तो 2 नंबर के लिए, 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल आप लोगों को क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया, अगर इतना याद है तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आप फ्री में उठा ले जाओगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा नंबर हिंदी में आने वाला है आप लोगों का, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।